वेलकम स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे इस चैनल उपलर गुरु पे। बात कर रहे हैं पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के बारे में। जी हाँ, अगर आप पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं या फिर एडमिशन लेने वाले हैं नए सेशन यानी कि सेशन 22 से लेके 25 में, और अभी तक एडमिशन नहीं हो पाया, चाहे वो कोई भी कारण हो, चाहे आप फ्रेशर हों और दोबारा से एडमिशन लेना चाह रहे हों, चाहे रजिस्ट्रेशन करवा चुके हों और किसी भी मेरिट लिस्ट में अभी तक नाम नहीं आया हो, तो क्या कुछ नए अपडेट्स हैं स्टूडेंट्स। बहुत ही ज़्यादा बड़ी खुशखबरी है क्योंकि दूसरा स्पॉट राउंड जारी कर दिया गया है पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के द्वारा। और कैसे होगा आपका एडमिशन, इसमें क्या कुछ रहेंगे ट्रिक्स, और जिनका एडमिशन हो गया है और आपका क्यों नहीं हुआ है, क्या कुछ, क्योंकि कुछ तो अंतर ज़रूर है कि क्या उन्होंने किया हुआ है और क्या, क्योंकि हमारे पास ऐसे ऐसी चीज़ें आ रही हैं। स्टूडेंट्स बोल रहे हैं कि सर हमारे फ्रेंड का हमसे 2 नंबर कमी है 4 नंबर कमी है, लेकिन उसका हो गया और हमारा नहीं हुआ है, क्या कुछ कॉलेज सिलेक्शन में गलती हुई है, सभी के बारे में आज बताने वाले हैं। और क्या जो डेट्स हैं आप लोग के सेकेंड स्पॉट राउंड के, उसके बाद क्या कुछ डेट्स है आपका यहाँ पे जमा करने का, क्या कुछ जो फाइनल वैलिडेशन के बाद आपका एडमिशन हो जाएगा, इस सभी के बारे में आज आपको बताने वाले हैं। उसी तरीके से अगर आप लोग करते हैं तो आप लोग के पास 100% चांसेस हैं कि आप लोग का जो एडमिशन है वो कन्फर्म हो जाएगा। सभी स्टूडेंट्स एक्साइटेड रहें और एक एक चीज़ को यहाँ पर ध्यान से सुने, सबसे ज़रूरी बात एक एक चीज़ को यहाँ पर ध्यान से सुने। वीडियो आगे बढ़ाएं उससे पहले आपको बता दें कि हमारे इस चैनल पे पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी से रिलेटेड सभी के सभी अपडेट सबसे पहले दिए जाते हैं। अगर अभी तक नहीं जुड़े हुए हैं तो जुड़ जाए, नीचे एक लाल रंग का सब्सक्राइब बटन है, सब्सक्राइब कर ले हमारे इस चैनल को, और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दें। सबसे पहले सभी स्टूडेंट्स को बता दें, और सबसे इम्पॉर्टेंट जो अपडेट आई हुई है पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी से, उसके ऊपर सबसे पहले आप सभी को लेके चलते हैं। तो ये है सबसे पहले सभी के सभी डेट्स जिसके ऊपर आप लोग का स्पॉट राउंड एडमिशन होगा, उसके बाद सेकेंड स्पॉट राउंड एडमिशन का जो मेरिट लिस्ट निकाला जाएगा उसके डेट्स, और फाइनल जो एडमिशन हो जाएगा उसका डेट, यानी कि 3 डेट टोटल निकाले गए हैं। एक स्पॉट राउंड का डेट जिसमें कि आप लोग अपने कॉलेजेस में जाके, मनपसंद कॉलेजेस में जाके अपना जो है अपना ऑफ़र लेटर जाके जमा करेंगे। कैसे मिलेगा ऑफ़र लेटर, जो न्यू स्टूडेंट्स हैं उनको बता दिया जाएगा दोबारा से, जो पहले से रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं और किसी कारण से आपका सिलेक्शन स्पॉट राउंड में नहीं हो पाया, चाहे वो कोई भी कारण हो, चाहे आपकी कोई गलती हो, चाहे आपने कॉलेज सेलेक्ट नहीं किया हो, चाहे कि कॉलेज की तरफ से कोई गलती हो, इस बार क्या करना है उस चीज़ को आप लोग ध्यान से यहाँ पर समझेंगे। देखिए, फॉर्म नहीं भरने वाले शामिल हो सकते हैं, यानी कि फ्रेश स्टूडेंट्स भी यहाँ पे शामिल हो जाएंगे। और आपको बता दें कि यह दूसरा मौका दिया जा रहा है, समझ, यहाँ पे एक चीज़ को ध्यान से सभी स्टूडेंट्स देखें कि फॉर्म भरने के वंचित स्टूडेंट्स द्वितीय स्पॉट राउंड में एडमिशन प्रक्रिया में शामिल हो सकते हैं। सभी स्टूडेंट्स यहाँ पर ध्यान से देखें। उसके बाद 14 से 15 यानी कि 2 दिन, 14 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक स्टूडेंट्स अपने मनपसंद कॉलेज में जाकर ऑफ़र लेटर जमा करेंगे। ऑफ़र लेटर कैसे मिलेगा, कहाँ से मिलेगा, आप सभी स्टूडेंट्स को बता रहे हैं। 14 तारीख और 15 तारीख को आप लोग का जो ऑफिशियल वेबसाइट है पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी का, उस पर एडमिशन पोर्टल ओपन हो जाएगा। जिन्होंने अप्लाई नहीं किया है वो अप्लाई करके ऑफ़र लेटर डाउनलोड कर लेंगे, और जिन्होंने अप्लाई किया हुआ है और सिर्फ नाम नहीं है वो दोबारा से सिर्फ ऑफ़र लेटर डाउनलोड कर लेंगे लॉगिन करते के साथ ही। उसके बाद जो आप सभी स्टूडेंट्स, आप लोग को बता दें यहाँ पे एक ट्रिक है जो कि आप लोग का कॉलेज में सिलेक्शन करवा सकती है बहुत ही ज़्यादा इजीली। सबसे पहले अगर गर्ल्स की बात करें तो गर्ल्स मोस्ट ऑफ द टाइम यहाँ पे सबसे ज़्यादा गर्ल्स कॉलेजेस में ही सेलेक्ट करें, क्योंकि देखा जा रहा है कि गर्ल्स कॉलेजेस में सीट्स जो हैं वो ज़्यादा खाली हैं, गर्ल्स कॉलेजेस में सीट्स ज़्यादा खाली हैं, और वहाँ ही मतलब सभी के सभी स्टूडेंट्स को बता दें कि ज़्यादा से ज़्यादा गर्ल्स कॉलेजेस को प्राथमिकता दें, जितने भी छात्राएं हैं गर्ल्स कॉलेजेस को ज़्यादा प्राथमिकता दें, बार बार ये बोला जा रहा है, वरना आपका जो नाम है वो आने से वंचित रह सकता है। बात करें बॉयज़ की तो बॉयज़ सभी स्टूडेंट्स देखिए, एक चीज़ सभी को बता दें कि 2 तरह के कॉलेजेस यहाँ पर बांटा गया है, एक सरकारी जो कि गवर्नमेंट कॉलेजेस है, एक अफिलिएटेड जो कि अर्ध सरकारी कॉलेजेस है। मोस्टली सबसे ज़्यादा बेटर होता है जो सरकारी कॉलेजेस होते हैं ये, क्योंकि आने वाले 3 सालों में जो कि आपका ग्रेजुएशन का जो साल रहने वाला है उसमें आप सभी स्टूडेंट्स के लिए जो भी फीस रहने वाला है वो सबसे ज़्यादा कम आपको सरकारी में देखने के लिए मिलेगा, यानी कि गवर्नमेंट कॉलेजेस में। और किस तरह से आपको कॉलेजेस सेलेक्ट करने हैं, सबसे पहले डेट्स पर बात कर लेते हैं। 14 से 15 तारीख ये 2 दिन आप लोग का पोर्टल खुला हुआ रहेगा।
अप्लाई करिए और अपना अपना आप सभी स्टूडेंट्स अपना स्पॉट जो भी ऑफर लेटर है उसको डाउनलोड करिए, और किस तरह से आप लोग के कॉलेजेस में जाके उसको उसको जमा करना है, कैसे जमा करना है वो सभी आप लोग को बताने वाले हैं, और किस किस कॉलेजेस में जमा करना है। 14-15 ये होगा, उसके बाद 17 तारीख सभी स्टूडेंट्स यहाँ पे आ जाएं, और यहाँ पे सभी के सभी स्टूडेंट्स देख सकते हैं 17 तारीख को आप सभी स्टूडेंट्स का मेरिट लिस्ट जारी कर दिया जाएगा। यानी कि जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पे जैसे कि देख सकते हैं 17 अक्टूबर को कॉलेज स्पॉट राउंड एडमिशन का विषयवार रिक्त स्थानों के विरुद्ध मेरिट लिस्ट यहाँ पे जारी करेंगे, तथा 19 अक्टूबर को एडमिशन एवं वैलिडेशन की प्रक्रिया अनिवार्य रूप से संपन्न करेंगे। यानी कि 19 तारीख तक सभी स्टूडेंट्स का सेकेंड स्पॉट राउंड में एडमिशन कंप्लीट कर लिया जाएगा। 14 तारीख, 15 तारीख, 17 तारीख और 19 तारीख, ये 4 डेट्स सभी स्टूडेंट्स याद रखें, क्योंकि जो भी न्यू एडमिशन यानी कि 20-25 सेशन 20-25 पार्ट वन में एडमिशन लेने जा रहे हैं उनके लिए 4 डेट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं सभी के सभी स्टूडेंट्स। और अभी भी अगर कोई मन में क्वेश्चन आप लोगों के चल रहा हो तो ज़रूर पूछिए इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में। अगर लाइव देख रहे हैं तो लाइव चैट में आप लोग अपना क्वेश्चन को भी किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आप लोग पूछ सकते हैं। आगे बढ़ें सभी के सभी स्टूडेंट्स, तो आपको बता दें कि कॉलेज किस तरह से सेलेक्ट करना है और कॉलेज कहाँ से यहाँ पे सेलेक्ट आपको करना है। सभी स्टूडेंट्स जैसा कि देख सकते हैं पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल वेबसाइट है, स्क्रॉल करना है नीचे, ग्रीन वाला है एडमिशन पोर्टल, एडमिशन पोर्टल ओपन करना है और सबसे नीचे यहाँ पे स्क्रॉल करना है। ये येलो वाला जो स्ट्रिप दिख रहा है आपको, ये सीट अवेलेबिलिटी का है, यहाँ पे इसको ओके करें और यहाँ पे नीचे 3 चीज़ों को सेलेक्ट करना है, किस चीज़ में आपको एडमिशन चाहिए, यानी कि आपका जो सब्जेक्ट है किस चीज़ में आपको यहाँ पे चाहिए। सबसे पहले इसे इसमें से एक चीज़ आप लोग सेलेक्ट कर लेते हैं, मान लेते हैं हम एक चीज़ बीए इंग्लिश ऑनर्स यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद आप लोग को यहाँ पे इंग्लिश सेलेक्ट कर लेना है, और उसके बाद डिस्ट्रिक्ट, किस डिस्ट्रिक्ट में आप लोग को अपना जो है किस कॉलेजेस में, किस डिस्ट्रिक्ट के कॉलेजेस में आप लोग को देखना है, मान लेते हैं पटना के कॉलेजेस में। और उसके बाद यहाँ पे जैसे ही आप लोग शो पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद जितनी भी वेकेंट सीट्स हैं उस पे सभी के सभी स्टूडेंट्स उसी में जाके अपना जो है वो ऑफर लेटर जाके आप लोग को जमा करना है। एक चीज़ स्टूडेंट्स सभी स्टूडेंट्स ध्यान से देखें, खासकर गर्ल्स यहाँ पे देख रहे हैं, जैसे गंगा देवी महिला महाविद्यालय 47 वैकेंट सीट्स खाली हैं, यानी कि अगर प्राथमिकता ज़रूर दें 47, जिसमें भी जो भी गर्ल्स हैं वो महिला कॉलेजेस को प्राथमिकता ज़्यादा दें, क्योंकि चांसेस बहुत ज़्यादा यहाँ पे बढ़ जाते हैं। और अगर जिसमें भी वेकेंट सीट ज़्यादा खाली हैं उसको ज़्यादा प्राथमिकता दें, ऐसा नहीं कि अगर किसी में 2 सीट या 5 सीट खाली है तो उसमें जाके दें, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा कम चांसेस होते हैं, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा यहाँ पर आप लोग का यहाँ पर कम चांसेस हो जाते हैं कि आप लोग का यहाँ पर सिलेक्शन होगा। तो सभी स्टूडेंट्स कोई भी किसी भी तरह का इशू है तो ज़रूर पूछिए, और जल्दी से जल्दी आप लोग अपना जो भी डॉक्यूमेंट्स, जो भी नए स्टूडेंट्स सेकंड फ्रेश स्टूडेंट्स सेकंड राउंड में अप्लाई करने वाले हैं वो सभी अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ रेडी रहें। सभी स्टूडेंट जैसा कि देख सकते हैं, और आप लोग को बता दिया गया है किस तरह से आप लोग किस कॉलेज में कितना सीट्स खाली हैं और किस सब्जेक्ट में कितना सीट्स खाली हैं। ये सारे बीए इंग्लिश ऑनर्स के सीट्स हैं, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, अगर आप लोग को बीए इंग्लिश ऑनर्स देख सकते हैं देख मैं एडमिशन लेना चाहते हो तो ये सभी आपके कॉलेजेस हैं। बाकी अपने अपने सब्जेक्ट के अनुसार आप लोग अपना कॉलेज देखिए, सेलेक्ट करिए और जाके अपना अपना यहाँ पे जो ऑफर लेटर है उसको जमा करिए। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर आप लोग 14 तारीख को ही अपना ऑफर लेटर जमा करते हैं, 15 तारीख का वेट बिल्कुल ना करें, कोई भी स्टूडेंट्स 15 तारीख का वेट ना करें, पहले आओ पहले पाओ, आप लोग पहले सुने होंगे, पहले आओ पहले पाओ। जाके 15 तारीख को आप लोग का कॉलेज मना भी कर सकता है कि यहाँ पे सीट्स नहीं बचे, इसलिए जितना हो सके 14 तारीख को ही अपना जो कि ऑफर लेटर है वो जाके कॉलेज में जाके जमा कर दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, जैसे कोई भी अपडेट आपके लिए आता है उसके साथ, और कोई क्वेश्चन है जो कि आप पूछना चाहते हैं तो ज़रूर पूछिए इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में, वीडियो लाइव देख रहे हैं तो लाइव चैट में, किसी भी तरह का कोई सवाल है तो ज़रूर पूछिए। मिलते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट अपडेट के साथ, जैसे कोई भी अपडेट जारी होता है आपके लिए उसके साथ, और हमें आप लोग टेलीग्राम ग्रुप व्हाट्सएप ग्रुप दोनों पे जाके ज्वाइन करिए, क्योंकि जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पे एडमिशन हो रहा है, जो भी चीज़ें आपके कॉलेजेस में डिस्कस होती हैं प्रोफेसर्स के द्वारा जिसके भी द्वारा, वो सारी चीज़ें वहाँ पे अपडेट आपको देखने के लिए मिलता है। कुछ नया अगर होता है आपके कॉलेज में एडमिशन से रिलेटेड, एग्जाम से रिलेटेड कुछ भी, तो आपको देखने के लिए मिलता है। दोनों का लिंक नीचे इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके ज्वाइन करिए और हर एक अपडेट से नीचे जुड़े रहिए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें, और किसी भी अपडेट से चूकने नहीं के लिए आप लोग हमारे इस वीडियो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, नीचे एक लाल रंग का सब्सक्राइब बटन है, सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।